हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका यूपी एनएचएम 2700 प्लस वैकेंसीज का जो एएनएम और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड रणनीति कि आप परीक्षा कक्ष में, एग्जाम हॉल में आप पेपर को कैसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो और आपको सफलता मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इसी स्ट्रेटजी रणनीति पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरा इसका लाभ मिल सके। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले आप परीक्षा कक्ष में जब भी आपको पेपर मिले, तो सबसे पहले आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। ओके, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम क्या होगा पहली बार फर्स्ट टाइम देने जा रहे होंगे, तो उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि उनको पता चल सके। तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, सबसे पहले आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ कि आप ओएमआर शीट पर जो आपका नाम और सेंटर कोड, ओके, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी इंफॉर्मेशन उस पर रहती हैं, तो उस पर उसको आप अच्छे से भरिएगा, बहुत ही ध्यान से भरिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ जो अपना नाम, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, सेंटर कोड, ये भरने में गलतियां हो जाती हैं। ओके, और गलतियां हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन जो एमआर शीट है चेक नहीं की जाएगी। इसलिए आप गलतियां बिल्कुल भी मत करना, और सबसे आप अच्छे से जो है उसको भरिएगा, और कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी इंफॉर्मेशन है आप अच्छे से भरिए, और जो आप भरने के बाद नीचे जो गोले होते हैं, ओके, उनको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले बॉर्डर से यहाँ से करें, फिर उसके बाद अंदर आप करिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जल्दी भर जाता है। ओके, जो आपको गोले ब्लैक करने होते हैं, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से भरिएगा, जिससे कि आपको गलती ना हो। और भरते समय इस बात का ध्यान रखिए कि सपोज दैट ऊपर 2 है, तो नीचे 2 वाले गोले पे ही आपको राउंड करना है। ओके, कभी कभी गलती से ऊपर आपने 2 भरा है और 3rd पे आप कर देते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है ओएमआर शीट में बहुत ही अच्छे और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि फिर आपका पेपर करने का कोई मतलब नहीं बनता कि आपने पेपर अच्छा किया बट जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो गलत भर दी, तो आपका ओएमआर शीट चेक नहीं किया जाएगा और आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको जो भी करना है बहुत अच्छे से और शांतपन से करना है। ओके, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, सभी जानते हैं कि वो 100 प्रश्नों का रहेगा, ठीक है। तो उसमें से क्या रहेंगे, 70 क्वेश्चंस आपके, 70 क्वेश्चंस क्या रहेंगे नर्सिंग के रहेंगे, और 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें आपके करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा यानी सामान्य जागरूकता, और रीजनिंग रहेगी। ओके, तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन पेपर को हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको इजी क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए, ठीक है, वो सबसे पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं, आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए सबसे बेहतरीन रणनीति ये है कि आप जो प्रश्न इजी हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करिए, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका नर्सिंग सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होगी, अच्छा कमांड होगा, तो सबसे पहले आप नर्सिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ओके, ठीक है। और उसके बाद, करने के बाद आप क्या करिएगा कि उसके बाद आप करंट के कर सकते हैं, करंट के क्वेश्चन करिएगा,
नर्सिंग के बाद, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्या है, आप लोग का न्यूज़ देखते होंगे, आप समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, तो आपका करंट थोड़ा बहुत तो तैयार होगा, ठीक है, तो उसको करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता के सेकंड नंबर पे करिएगा। उसके बाद रीजनिंग सबसे लास्ट में करिएगा। रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तर्क शक्ति के क्वेश्चंस होते हैं इसलिए, लेकिन वो इतना टफ नहीं आएगी कि आप ना कर सकें, इजी रीजनिंग आएगी, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करिएगा, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप 100 क्वेश्चंस हैं तो आप ये करिएगा, अगर आपके 50 क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने के बाद आप ओमार शीट में आप जो आंसर आपको जो गोले जो आपको ब्लैक करने हैं, ठीक है, गोले भरने हैं आपको, तो उसको क्या करने का, सर्कल जो आपके हैं उन सर्कल को आप भर दीजिएगा 50। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि इससे ये रहेगा कि आपके 50 क्वेश्चंस बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपने क्वेश्चन पेपर में टिक तो कर लिए बट अभी उमर नहीं भरी है, ओके, तो आप 50 कर लीजिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके लिए। और दूसरी बात क्या कि आपकी निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ओके, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, और आपकी एग्ज़ाम क्या होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले इन्होंने जो डिटेल्स आया था एडमिट कार्ड का, तो उसमें उन्होंने ये दे रखा था कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ओके, फिर इन्होंने एडमिट कार्ड में दे रखा है कि आपका ओएमआर दिया जाएगा, ओएमआर शीट पे आपका एग्ज़ाम होगा और आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये यूपी एनएचएम की गलती है कि बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो आप अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शंस जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उन्हीं को सही माना जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हो गई आपकी लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और उसके बाद क्या करना है आपको, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा कि आपको जो मेन ओएमआर सीट है वो, और उसके पीछे दो कार्बन कॉपी लगी होंगी, तो इसमें एक कार्बन कॉपी यूपी एनएचएम की होगी, एक क्या होगी कैंडिडेट की होगी, तो आपको मेन ओएमआर सीट देनी है आपको, आपको मेन जो ओएमआर सीट है वो आपको देनी होगी, और सेकंड आपको यूपी एनएचएम की कॉपी कार्बन की होगी वो भी देनी होगी, और जो कैंडिडेट कॉपी होगी वो उसको आप अपने घर ला सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी क्या होगा, उसको भी सबमिट करना होगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करना होगा वहीं पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी, इसलिए आप एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी घर पे करा के रख लीजिएगा। ये ज़रूरी है करना, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको वहाँ से ले लिया जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, और आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 120 मिनट दिया जाएगा, और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस पे आप ज़रूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि इससे लेट पहुंचने में क्या होता है, आप घबराहट में होते हैं और आपका क्वेश्चन पेपर ख़राब हो सकता है, इसलिए आप टाइम पे ज़रूर पहुंचिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आपको स्ट्रेटजी बतानी थी आपको कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके जो भाई और बहन हैं उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।